नमस्कार साथियों, परिवार के वरिष्ठ सदस्यगण, बहुत ही सम्मानित हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथियों, आप सबसे एक विनम्र निवेदन और अपील है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए इस प्रदेश में 31 तारीख तक लॉकडाउन का फैसला माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लिया और पिछले 4 दिन से हम सब लॉकडाउन हैं, कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला, अब 14 अप्रैल और 21 दिन हम सबको लॉकडाउन रहना है, ये हमारे और आपके परिवार के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जनता कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है। आपसे निवेदन है, आप संयम रखिए, घबराइए मत, जरूरत की चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी, दुकानें, राशन की दुकानें खुलेगी, लोग घबरा रहे हैं, हमको इस चेन से लड़ने के लिए, इस चुनौती से लड़ने के लिए संयम रखना होगा, एकजुट रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। समय आपको मिलेगा, आपको मदद मिलेगी, लेकिन जो सबसे पहला काम है, हम सबको अपने अपने घरों में रहना है। अपने बच्चों से निवेदन करके, अपने इष्ट मित्रों से, आजू बाजू जो लोग हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे निवेदन करके कि घरों को छोड़कर कोई भी मत जाए। सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ी लड़ाई इससे हमको यही निजात दिला पाएगी और इसी से हमारे को निजात मिलेगी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन और विनम्र अपील है, आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके साथी के रूप में, ये एक अपील आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और आप इस अपील को मानकर आप अपने घरों में रहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।